संसदीय अनुभव में और प्रशासनिक अनुभव में ये पहली बार मैं स्वयं साक्षी रही कि एक प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा शुरू हुई मार्च 2020 में और 5 सेशंस के माध्यम से लगभग 20 सांसद 6 अलग अलग तारीखों पर इस विशिष्ट चर्चा में सहभागी रहे। सर्वप्रथम मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करती हूं कि इस चर्चा के माध्यम से उन्होंने हमारी देश भर की आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान किया, उनका समर्थन किया, उन्हें सदन में महिमा मंडित किया। कुछ सेशन पहले मैंने एक विशिष्ट सांसद का भी अभिनंदन किया। जगदम्बिका पाल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन इस 2 वर्ष की अवधि में सबसे लंबा अगर किसी ने प्रस्तावना की सदन में आंगनवाड़ी बहन के समर्थन में, तो वो सौभाग्य जगदम्बिका पाल जी को प्राप्त है। मैं उनकी अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन पुनः सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, इस सदन में दानिश भाई ने भी थोड़ी सी मेरी चुटकी ली, और भाइयों का तो विशेष अधिकार है, मैं जेंटलमैन नहीं कह रही हूँ, भाई कह रही हूँ, आशा करती हूँ वो स्वीकार होगा। लेकिन इस सदन में कई विशिष्ट व्यक्ति जो ट्रेजरी बेंच से नहीं है, जिनके पास ये सौभाग्य रहा कि एक दशक तक उन्होंने सत्ता की गलियारों में ऐसे विषयों पर अपना कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया अथवा प्रशासनिक ढांचे में नेतृत्व दिया अथवा तब की सरकार में अपना योगदान दिया, आज विपक्ष में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका बहनों के बारे में गुहार लगाई। ये सत्य है कि 1970 के दशक में ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भारत में पहली बार स्थापित किया गया, और उस वक्त जब 1975 में लगभग इसकी शुरुआत हुई, तब मात्र 33 प्रोजेक्ट्स में ही इतने विशाल देश में इसकी शुरुआत हुई। तैतीस प्रोजेक्ट से आज 13 लाख आंगनवाड़ियों में देश की महिलाओं और बच्चों को सेवा देती हमारी ये बहनें, उनके संदर्भ में रितेश पांडे जी ने प्रस्ताव रखा। मैं रितेश पांडे जी की अनुपस्थिति में, महोदय आपकी अनुमति से, 2-3 तथ्य रखना चाहूंगी जिन्होंने आज भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप क्यों ऑनरेरियम बढ़ाते नहीं, आप क्यों ऑनरेरियम की दृष्टि से इसे ना देखकर सैलरीड क्लास की दृष्टि से इसे देखें। जब उनकी सरकार थी, तब साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया महोदय, तब उन्हीं की सरकार ने यह स्वीकार किया कि ऑनरेरियम ही पर्याप्त है, इनको एम्प्लॉय की दृष्टि से ना देखा जाए। तब की सरकार की भी इस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जितने भी तथ्य आए, उन सभी तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ चिंतन किया, मंथन किया, बल्कि पर्टिकुलरली सर ऑन दिस इशू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वेदर ऑनरेरियम शुड बी गिवन और दे शुड बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज। एंड आफ्टर ऑल द एविडेंस विच वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इशू वॉज सेटल्ड इन द ईयर 2006। हाउएवर, तब की सरकार चाहती
और जो सरकार में सहभागी थे वो चाहते तो अपनी तरफ से कोई और विशिष्ट प्रावधान कर सकते थे। तब सर 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपए था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपए दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपये से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपये की व्यवस्था की। आज जिन्होंने हिदायत दी विशेष, अब जेंटलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा, इसीलिए और मेरी अपेक्षा भी नहीं है सर, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज हूं। तो मैं आपके सम्मुख सर रखना चाहूंगी कुछ आंकड़े जो उनकी हकीकत को बयां करता है। 2011-12 सर, when the Congress led UPA was in power, the Anganwadi systems, they pronounced a budget estimate of 10,000 crores. Sir, if I look at the budget which was spent in 2020-21-22, and if I go back just 1 year in 21-22, then the spend by the Modi Sarkar only in one financial year was 18,208 crores. सर, रितेश जी ने अपनी प्रस्तावना में कई विषय आंगनवाड़ी की बहनों के संदर्भ में, प्रेमचंद्रन जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने पेंशन्स, इंश्योरेंस, इन सभी विषयों पर हम सबका विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मैं आपकी अनुमति से सर कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आंगनवाड़ी हमारी जो सेविका हैं और आशा वर्कर, दो विविध मंत्रालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं। जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी खेमे में, उसका काम विशिष्ट रूप से स्पेसिफिकली इज डन बाय द आशा वर्कर एंड नॉट द आंगनबाड़ी वर्कर। हावेवर सर, क्योंकि कोविड का उल्लेख हुआ गोपाल जी, सर यहाँ पर विशेष रूप से कई आदरणीय सांसदों ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी जो बहनें हैं हमारी, उनके ऊपर विशेष भार आता है एडिशनल काम करने का। और सर, इसके लिए मैं आपका ध्यान, जो माननीय सांसदों ने इस विषय को उठाया, विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहती हूँ आपकी अनुमति से कि भारत सरकार ने हमारे मंत्रालय की ओर से 2019 में ही 5 नवम्बर सभी चीफ सेक्रेटरीज को प्रदेश सरकारों में लिखकर ताकीद की गई, बार बार इसका हम उल्लेख करते हैं कि कृपया आंगनबाड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त काम ना दें। दे आर ऑनररी वर्कर्स हु वर्क फॉर ऑनरेरियम्स आर नॉट एम्प्लॉयज एंड हेंस कैन नॉट बी गिवन एडेड वर्क। दिस इज अ कम्युनिकेशन सर विच आई होल्ड इन माई हैंड विच इज क्लोज टू 3 years old। वी डू रिपीट इट in our engagement from the Ministry of Women and Child Development to all chief secretaries of all states. We did not ensure that this written communication suffices. We repeat it in our verbal engagement, video conferences and one-on-one meetings with all state governments and all state representatives, including there are many Anganwadi federations that have asked us for this very communication, and in support of the Anganwadi workers' desire to have this communication simplified, we have done so, sir, and forwarded that information to them as well. Sir, ये विषय आज मैं विशेष रूप से इस चिट्ठी का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि आपने सर और आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ कि आपने विशेष पोषण के संदर्भ में कई बार इस सदन में सांसदों का ध्यान आकृष्ट किया, सांसदों को बार बार प्रोत्साहित किया कि दिशा की मीटिंग में विशेष और पोषण माह पोषण पखवाड़ा में विशेष हर सांसद सम्मिलित होकर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको सदन में अथवा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करें। और आपके आदेश अनुसार सर हर सांसद ने जहां जहां कोई भी हमारे पास शिकायत लाकर दी अथवा कोई भी हमें सुझाव दिया तत्परता से हमने उस पर काम किया। सर एक उल्लेख मैं करना चाहूंगी क्योंकि रितेश जी यहां नहीं है, उन्होंने तब कहा था जब उन्होंने प्रस्ताव किया था कि उनके अपने जनपद में आंगनबाड़ी सिस्टम में पानी की सुविधा नहीं है। मैं सर आज आपके माध्यम से उनकी अनुपस्थिति में ही सही इस सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि उनके जनपद में हर आंगनबाड़ी के पास वाटर फैसिलिटी की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है और उसकी कंफर्मेशन टेक्नोलॉजिकली जनपद में काम करने वाली आंगनबाड़ी बहन ने स्वयं पोषण ट्रैकर पर दी है। रितेश जी ने तब अपनी प्रस्तावना में इसका भी उल्लेख किया कि आंगनबाड़ी बहन के ऊपर विशेष भार आता है कि वो पल्स पोलियो की ड्रॉप्स दे रही हैं, लेकिन वो काम आशा बहन करती है, आंगनबाड़ी बहन नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से थैच रूफ का कहीं पे एस्बेस्टो शीट्स का उल्लेख किया किसी प्रदेश में, उस प्रदेश से सर हमने संपर्क किया, ऐसी कोई रिपोर्ट ना उपलब्ध है और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकली चेक किया गया, वहां पर भी ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। सर यहाँ पर विशेष दानिश भाई ने उल्लेख किया वाटर फैसिलिटी का और टॉयलेट फैसिलिटी का, मैं आपके माध्यम से सर उन्हें भी और सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि ये सत्य है कि 12,000 रुपये देते थे, स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं तो उसे 36,000 किया गया। ये इस बात का संकेत है दैट द मोदी गवर्नमेंट इज एम्पथेटिक एंड क्विकली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द आंगनबाड़ी सिस्टम। सो चूंकि ये बात उठी है दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूँगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है, लेकिन पहली बार पानी और सैनिटेशन की बजट लाइन, सभी माननीय सांसद इस बात से अवगत हैं कि मंत्रालय तभी स्पेंड करेगा जब फाइनेंस के साथ समन्वय में बजट की व्यवस्था की जाएगी। साहब पहली बार बजट की बजट लाइन ही आंगनबाड़ी सिस्टम में मोदी सरकार 2017 में लेके आई। 70 के दशक में ना इसकी कल्पना थी ना ही यूपीए के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रावधान था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, दे से गॉड इज इन डिटेल्स, दिस इज द डिटेल टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइड इटसेल्फ। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जब प्रधानमंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया था उस वक्त कई लोगों ने उपहास भी किया कि इतने विशाल देश में इतनी विशाल जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो इस व्यवस्था को कैसे अपनाएगी। मैं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूँ कि पोषण का जो एक नया संग्राम शुरू हुआ उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ना डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनबाड़ी तक पहुँचाया जाए। मैं सर आपको अनुमति से आपकी अवगत कराना चाहती हूँ कि राष्ट्र में पहली बार आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। 11 लाख से ज़्यादा डिवाइसेस वर्तमान में उपलब्ध हैं आंगनबाड़ीज में। सब पोषण ट्रैकर जब हमने शुरुआत की तब कोविड के दरमियान शुरुआत की थी, हमारे रितेश पांडे जी ने उनकी अनुपस्थिति में पुनः बोल रही हूँ इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी बहनों को 10-10 12-12 रजिस्टर लेके घूमना पड़ता है, लेकिन सर उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ सर उसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने ये व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा जो आंगनवाड़ी में सेवा लेते हैं उनकी जो भी दरकार है उनके डिटेल्स, चाहे उनका पता हो,
उनका अगर हाइट और वेट मेजरमेंट हो उसको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं, ताकि आंगनवाड़ी बहन को वो बड़े बड़े थैले और रजिस्टर लेके दर दर घूमना ना पड़े। आज सर मैं एक बार फिर आपकी अनुमति से कहना चाहूँगी कि लगभग 10 करोड़ हमारी आंगनवाड़ी जो बहनें बेनिफिशरीज का डेटा डालती हैं, उस डेटा में भी सर एक अनोखी बात आई है। पहला तो सर, पहली बार हमारे देश में 90% इस 10 करोड़ में से 90% जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दे आर नाउ सर आधार सीडेड, सो द डेटा इज कम्प्लीटली वेरीफाइड ऑल द वे डाउन टू द ग्रास रूट्स। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, वी सर इंश्योर दैट देयर इज पोर्टेबिलिटी ऑफ द राइट्स ऑफ अ बेनिफिशरी, बी इट द मदर और द चाइल्ड। अब आंगनवाड़ी की सेवा अगर कोई महिला या कोई परिवार, मान लीजिए झारखंड में लेते हैं, वो झारखंड छोड़ के अगर दिल्ली आते हैं, तो उनको पोर्टेबल सर्विस मिलेगी। भारत सरकार को और दोनों प्रदेश सरकारों को पता होगा कि ये महिला अथवा ये बच्चा उस प्रदेश को छोड़ के किसी और प्रदेश में गया है, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। सर ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो प्रस्तावना की गई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे शायद मंशा यह है कि हम जिस उद्देश्य के साथ आंगनबाड़ी व्यवस्था को देखते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य को और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कैसे सहायता मिले, सहयोग मिले, उसकी दृष्टि से सर मैं कहना चाहूँगी कि आज सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंटरवेंशन की दरकार थी वो थी कि हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम में रिजल्ट मेजर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि पहली बार ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए उसको उपलब्ध भारत सरकार ने पोषण अभियान के माध्यम से कराया, और आज लगभग 12,60,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस देश भर में आंगनवाड़ी में उपलब्ध हैं। 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी सब मिलाकर आज पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली हम लोग सब मैप करते हैं। हमारे अश्विनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने उनसे ये भी कहा कि आप देश भर को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी भी इससे अछूता नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था भी आंगनवाड़ी तक मेटी के माध्यम से पहुँचाई जा रही है। लेकिन सर सबसे बड़ा विषय जो आपकी अनुमति से मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, आंगनवाड़ी सिस्टम सर एक आइसोलेशन में चलता था एक मंत्रालय के सौजन्य से। प्रधानमंत्री जी ने जब उल्लेख किया सबका साथ और सबका विकास, वो उल्लेख नागरिक तक सीमित नहीं था, प्रशासनिक समन्वय में भी उसको चरितार्थ कर दिखाया पोषण ने, और 18 मंत्रालयों ने एक साथ देश में आंगनवाड़ी सर्विसेज को और कैसे हम मजबूत कर सकें, सशक्त कर सकें, उसके संदर्भ में अपना काम शुरू किया। सर आपने इसी सदन में विशेष कोई त्रुटि ना हो, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में, इसकी भी चिंता व्यक्त की। आपके शुभहस्तों से, आपके आशीर्वाद से देश के सभी सांसदों तक हमने रीजन वाइज डाइट डाइवर्सिटी की सूचना भी पहुंचाई। ये 13 जनवरी 2021 की हमने स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस भी दी। प्रेमचंद्रन जी ने इसमें विशेष उल्लेख किया रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट के संदर्भ में भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसकी भी चिंता की जाए। और आज ही सर शायद ये किस्मत को था मंजूर कि सुबह ही जब मैं पेपर ले कर रही थी तो इसका जो गजेट है वो मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर पाई। सर आज रितेश जी सभागार इस सदन में उपस्थित नहीं है, और चूंकि उपस्थित नहीं है तो मेरा आपसे आग्रह है कि मार्च 2020 से क्रम शुरू हुआ वार्ता का, मैंने बार बार इस सदन में कहा है कि हम पक्षपात और विशेषतः राजनीतिक पक्षपात के ना आदि हैं ना इच्छुक हैं। और विशेष इस सदन का सर और आपका आभार मानना चाहूँगी कि महिला बाल विकास से संबंधित जब भी कोई प्रस्ताव आता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो अथवा चर्चा की दृष्टि से हो, पूरे सदन ने समन्वय के साथ समर्थन किया है अपनी राजनीति छोड़कर। मैं आशावादी हूँ कि आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। सर मैं जो भी विषय रितेश जी ने
अपने उद्बोधन में प्रस्तुत किए, चिंताएं उद्बोधन में प्रस्तुत की, उनका मैंने जवाब दिया है। मैं एक और उसमें बात जोड़ना चाहती हूँ, जहाँ टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष चिंता की गई है, वहाँ पर रेंट अगर देना होता है, अगर सरकार किसी प्रदेश में रेंट देने के अवस्था में है, पक्की बिल्डिंग बनाने की स्थिति में है, वो कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन काम चलता है, हमने मनरेगा के साथ समन्वय किया, 50,000 से ज़्यादा इस 3 साल की अवधि में नए आंगनबाड़ी बनाए जो रेंटेड प्रमाइसेस से थे, उसको हमने शिफ्ट कराया, लगभग 55,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो दानिश भाई ने तीन लाख का विषय किया कि भाई 3 लाख अभी भी परमानेंट उसमें नहीं है, तो 1 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी इसको परमानेंट स्ट्रक्चर्स में शिफ्ट करने का हमने प्रावधान ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन साथ ही सर, रेंट की जब बात आती है तो ग्रामीण अंचल में विशेष इसी सरकार ने रेंट को डबल करके दिया है, और हम प्रदेश सरकारों पर निर्भर करते हैं कि प्रदेश सरकारें जो हमने व्यवस्था दी है, ढांचा दिया और पैसा दिया है, उसको तीव्र गति से आंगनबाड़ी सर्विसेज को और सशक्त करने के लिए लगाते हैं। निश्चित रूप से दानिश भाई ने मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश और अमेठी का उल्लेख किया, मैं आभारी हूँ कि अमरोहा वाले अमेठी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं उनसे कहना चाहूँगी सर कि 750 रुपये से 3,500 रुपये का ये जो फासला तय किया है मोदी सरकार ने, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बहनों को भाया है और इसीलिए दोबारा उन्होंने कमल खिलाया है। सर मैं हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मैं फॉल्स अश्योरेंसेस नहीं देती, मैंने फैक्ट्स हाउस के सामने प्रस्तुत कर दिए। रितेश जी की अनुपस्थिति में सर मैं सदन से यही आग्रह करूंगी कि आप मार्गदर्शन करें कि आगे मेरा मार्ग कैसे।